का घर और ये रही इस घर की चाबियां। मुझे पहले ही लगा था कि आपको घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन अचानक यूं शिफ्ट करना क्यों किया आपने? मेरा मतलब है सुबह आराम से आते यूं रातों रात। देखिए घर तो मुझे पहले ही पसंद आ चुका था, लेना तो था ही, और ऐसे में फिर दिन रात क्या देख। ऑफिस का गेस्ट हाउस भी तो खाली करना था, फिर इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी तो सोचा आज ही शिफ्ट कर लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि जब भी आप घर देखने आए थे तब भी रात थी और आप शिफ्ट भी रात को कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मालिक आप हैं, मेरा काम तो खत्म हो गया, बाकी सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह से मैं आपको बाद में मिलवा दूंगा। ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। जी। इतना बढ़िया घर तुमने इतने कम पैसे में दिलाया कैसे? सब ठीक तो है? वो एक्चुअल क्या है कि इधर आओ। नमस्ते साहब, कैसे हैं, पहचाना? मैं ठीक हूं, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक साहब, मैं जगदीश, यहाँ का वॉचमैन, आप मुझे भूल गए लगता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब, आपका नाम मुझे कैसे नहीं मालूम होगा, बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बता दिया है कि आप वापस आ गए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्या, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मैं यहाँ पहले आया कब हूँ जो वापस आ जाऊंगा? What the hell, ये हो क्या रहा है? कौन है आप लोग? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैसे हो आलोक, और इतना टाइम तुम कहाँ थे? आलोक, तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई, उस हादसे के बाद तो हम सब घबरा ही गए थे, कहीं तुम्हारे साथ भी। एक मिनट, एक देखिए, मैं आप लोगों को जानता पहचानता भी नहीं हूँ और आप लोग यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने चले आए, यहाँ कैसे रिवाज है क्या? मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हाँ ये बात जरूर है कि मेरा नाम आलोक है, लेकिन मैंने आज से पहले आप लोगों को अभी देखा तक नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। आलोक, ये तुम्हें क्या हो गया है, और हमसे तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। और मोहिनी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई है ना, पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितनी परेशान थी, कितना ढूंढा उसने तुम्हें, उसी ने ढूंढा ना तुम्हें। बस बहुत हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ। देखिए प्लीज आप लोग जाइए जाइए, मुझे बहुत से काम करने, मैंने कहा ना मैं आज ही शिफ्ट हुआ, प्लीज जाइए। लग रहा है उस हादसे में आलोक का दिमाग खराब हो गया। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस सोसाइटी में, सबके सब पागल। सर मूड खराब करके रखती है, जबरदस्ती की जान पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़की मोहिनी, ये मोहिनी कौन है? खैर जो कोई भी हो, बस मामा पापा के सामने ऐसा भद्दा मजाक ना करें, वो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। में फिर से वही दाल, क्या करूं बेटा? अच्छा आज खा लो। मैंने कितनी बार बुलाया, मुझे ये पसंद नहीं है, तो कल कुछ और बना दूंगी। अम्मा, क्या हुआ? ये देखो मेरी बॉल फट गई है। अरे अभी तो लाके दी थी। प्लीज मुझे नई बॉल लाके दो ना माँ। फिर से नई बॉल? Thank you.
फिर से खराब हो गई। खाना बनने के लिए कितना टाइम है? हाँ बेटा तैयार है। ये कैसा सवाल है, हमें नहीं पहचाना? मेरे घर में प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे से? उसने जानबूझ के मर गया। पुनीत मर गया, मगर कैसे? ये तो बिल्कुल ठीक था। ये कैसे मर गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। किन लोगों ने नहीं, हमने भी देखा। जबरदस्ती की आप सफाई दे रहे हो? आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। We'll be right back.
तुम कौन? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मैं भी आलोक हूँ, वो आलोक जो मर चुका है। क्या? हाँ, घबराओ मत, तुम और मैं अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत की डोर से बंधे हुए। तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो मैं आज से 3 साल पहले जी चुका हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना? मारना चाहता तो कब का मार देता है, लेकिन तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी किस्मत मारेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी किस्मत ने मारा था। ये मेरा घर है, मैं रहता था यहां पर। देखा नहीं, सारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं, वो तुम में मुझे देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे मरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी जिंदगी के बीच में 3 साल का अंतर है ना? मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ 3 साल पहले हो चुका है वो मेरे साथ अब होगा। इस हिसाब से अगर तुम्हारी मौत मई 2010 में हुई थी तो मेरी मौत मई 2013 में होगी। बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ गए, लेकिन एक बात और समझ लो, मेरी मौत बहुत ही गंदी और भयानक थी। तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मरना होगा, तड़प तड़प कर। नहीं, तुम्हीं ने पुनीत को मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुम उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते तो वो तुम्हें नया घर दिला देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, यहीं मरना होगा जैसे मैं मरा था। इस घर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं बदलने ही नहीं दूंगा। बचाओ, देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है आप? इतना घबराए हुए क्यों? मैं आपका नया पड़ोसी, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आइए अंदर आइए। आइए बैठिए बैठिए प्लीज। क्या हुआ? मैं आलोक, वो पुराने वाला आलोक नहीं, मैं नया, वो पुराने वाला आलोक तो मर चुका है, मैं नया आलोक, मैं जिंदा हूँ। पुराना वाला नहीं, नया वाला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या, घबराइए मत, बताइए क्या हुआ, क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तो हर कोई मुझे पर इल्जाम लगा रहा है सर, अगर आपने आज मेरी मदद ना की होती तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन मार देता आपको? कौन मारना चाहता है? आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई वही है। क्या सच है बताइए। मेरे घर में, आप लोगों के पास वाले फ्लैट में आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? आत्माएं? आपका मतलब कि आत्माओं ने आपकी ऐसी हालत की है? जी। पर क्यों? देखिए, मैं यहाँ जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं, और आज जब मैं अपने घर में था तब तो हद ही हो गई। उस आत्मा ने
मुझसे आकर बात की, शीशे में आकर। शीशे में आके? जी, शीशे में। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो आत्मा देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरा ही शरीर, मेरी ही शक्ल। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। वो आत्मा हूबहू मेरी ही जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरे जैसी। सर कैसे हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है, एक आत्मा जो आप ही की तरह दिखती हो, आप ही के घर में घुस के आपको मारना चाहती हो, ऐसा हो सकता है। हम लोग ने हाल में एक फिल्म की है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। सर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं वो घर छोड़कर कहीं गया तो वो मुझे जान से मार। हमारी फिल्म में भी आत्मा यही कहती है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि असलियत में भी यही हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, आप लोगों ने अपनी फिल्म में उस आत्मा से कैसे पीछा छुड़ा है? देखो आलोक, मेरी बात मानो, हमारी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ मत पूछो, बहुत डरावनी है, इससे कहीं डरावनी है। अगर मेरी बात मानो, इस फ्लैट को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली? हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। इतनी दूर की ये घर तुम्हें कभी वापस ना बुला सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, बस एक बार यहाँ से चला जाऊँ, फिर ना वो आलोक और ना ही वो आत्मा है, कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए, और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। बस मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटो, 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 ऑटो! टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! रुको, रुको, एयरपोर्ट चलो, जल्दी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गाड़ी आराम से चलाओ। अरे तुम फिर वैसे चला रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको! मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपना घर छोड़ने या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, पर तुम मेरा कहना नहीं माना। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी किस्मत बदलने दूंगा? नहीं, किस्मत किसी भी कीमत पर नहीं, बस तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ।
हुआ है। लेकिन मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। यहाँ इतनी ठंड क्यों हो गई? मुर्दे हमेशा ठंडे ही रहते हैं। देखिए मुझे यहां से जाने दीजिए प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो, आलोक जी, रिलैक्स, रिलैक्स, आप बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स कीजिए। हाँ मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सब लोग कहाँ गए? कौन कहाँ गए? आप किसकी बात कर रहे हैं? आलोक जी, आपको एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा पहुंचा, आप आराम कीजिए, आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको उन मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। मोहिनी, ये तो मोहिनी है। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आप मोहिनी हैं? अब तुम अपनी बीबी को भी नहीं पहचानोगे? पिछले 6 महीने से तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ, और उस रात क्या हुआ था? लोग उन सब लोगों को किसने मारा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? ये मेरा बोर्डिंग पास, देखिए मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए। ये कैसे हो सकता है? आलोक जैसे दिखते हो पर तुम मेरे पति आलोक नहीं, तुम 1980 में पैदा हुए हो ना, यानी मेरे पति से 3 साल छोटे, ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों की जिंदगी इतनी गलती चलती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति आज भी लापता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं है, आपको हमारी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? दरअसल जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो और पूछ लेंगे सर। क्या हुआ?
आरोप? कुछ भी तो नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे अपना पति समझकर रोक लिया, तो मुझे लगा कि हमारी शक्ल जरूर मिलती ही होगी। बस अब मुझे उनकी माँ और अपने पति के लापता होने का राज ढूंढना ही होगा, पता लगाना ही होगा मुझको। उनकी मौत, किसकी बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ये सब मैं आपको और बता के आपको डराना नहीं चाहती। देखिए बहन जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पिछले 3 साल में आपके पति की जिंदगी में क्या क्या घटा। 3 साल पीछे की जिंदगी? जी हाँ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करते करते मैं भी इस राज की गुत्थी को सुलझा सकूं। एक काम करो, मुझे क्रिसेंट टावर मिलो, वहां पर मेरे पति का ऑफिस है। मेरा नाम, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, और अब इत्तेफाक से मैं उसी घर में रह रहा हूँ जहाँ आप अपने पति के साथ और उनके परिवार के साथ रहते हो। लेकिन मैं वो आलोक नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। मोहिनी, मेरे पति आलोक हो ना तुम? वो तो नहीं जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ? मुझे याद है, आज से 6 महीने पहले जब तुम लापता हुए तब तुमने यही कपड़े पहने थे, है ना आलोक? उस दिन रात को घर पर क्या हुआ था? उन सब लोगों को किसने मारा और उस वक्त तुम कहाँ थे, बोलो। मैंने अपने आप को गोली मार ली, मर गया मैं, हम सब मर गए, बस तुम बच गए। किस्मत का खेल देखो मोहिनी, तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर जाना था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो नहीं लग रहा मोहिनी, लेकिन क्या करोगे, किस्मत है। तुम्हें उस दूसरे आलोक की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं, खैर, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? अपने आने वाले कल को नहीं बदल देता, तब तक मैं अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो
तो मेरी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं इस घर में रहूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अब तक उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं। वो आत्माएं किसकी थी? और उन्होंने भी तो इस घर में ही मुझ पर हमला किया था। वो तो बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये आलोक ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जब उसकी और मेरी हर एक चीज मिलती है तो फिर हमारे परिवार भी तो एक ही जैसे होंगे। यानी कि वो आत्माएं पुराने आलोक का परिवार है। इसका मतलब आज से 3 साल बाद मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक युवती की लाश गाड़ी में मिली। मोहिनी, मोहिनी का खून क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मोहिनी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? हेलो, डर लग रहा है। डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम्हारी और मेरी हर चीज एक जैसी है, जब हमारे परिवार एक जैसे हैं, तो हमारी पत्नी तो एक जैसी ही होगी ना, है ना? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है। Thank you.
बात तो सुनो। इसे मेरा नाम कैसे पता? अगर मेरी जिंदगी में वही सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी में हुआ है तो मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। आलोक, अगर तुम्हें आने वाले कल को जानने का इतना शौक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। और अब मैं जानना भी नहीं चाहता, उस रात जिसकी बात तुम सब करते हो, अब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं जानना। तुम्हें जानना होगा। हर पल, हर रोज तुम्हें यही बात परेशान करती है ना कि उस रात क्या क्या था, है ना? आओ, आओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रोज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरी नौकरी छिन गई थी। अरे देवजी, आज इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ देवजी? अरे आलोक बेटे, कहां थे तुम? परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, सर से पांव तक कर्जे में डूबा। कल वो लोग ये घर भी हमसे छीन लेंगे। मैं आप सबको सड़क पर जाते नहीं देख सकता, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर। चाचू, तुमने अपने परिवार को मार डाला। भीख मंगवाने से तो बेहतर यही था। लेकिन तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब खुद तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। तब तुम भी यही सब कुछ करोगे। पहले मोहिनी से शादी करोगे, पहले एक एक करके तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। फिर जब तुमसे कर्ज का बोझ उठाया नहीं जाएगा, तब तुम अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी मार डालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुमने किया मैं भी वही करूं। अच्छा, इसीलिए अभी अभी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? अंदर नहीं आओ, आंखें खोल कर देखो अपने घर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी किस हद तक मिलती जुलती है। मम्मा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस बेटा, तैयार है। ओहो, लगता है ये रेडियो फिर से खराब हो गया। ये सब तो वही सब कर रहे हैं जो उस दिन वो आत्माएं कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे आलोक, कहाँ थे तू? इतने परेशान क्यों लग रहे? तबीयत तो ठीक है ना? पापा, वो सब छोड़िए, हमें हमें अभी इस घर को छोड़ना होगा। जल्दी से अपना सामान उठाइए, हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने मैंने अपने आने वाले कल को देखा है और उसमें मैं, अगर हम इस घर में रहेंगे तो मैं, हम सब मारे जाएंगे। पापा जल्दी कीजिए। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी प्लीज, ये समय बहस करने का नहीं है। प्लीज, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अपना सामान पैक कीजिए, चलिए यहाँ से, चलिए। Thank you.
किस्मत बदलने की कोशिश मत करो पर नहीं, अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल देता हूं, जो तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद होने वाला था वो आज होगा, अभी होगा। यही तुम्हारी सजा है। देखो, तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, प्लीज इन सबको छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दो इन सबको, ठीक है, छोड़ देता हूं। तुम इन सबको अब अपने हाथों से खत्म करोगे। बेटा, तुम क्या करे थे? बेटा रुक जाओ। चाचू नहीं। मैं भी आलोक हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? आलोक, कौन था वो?